हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं होम रूल लीग मूवमेंट, राइट? सो होम रूल लीग मूवमेंट क्या था? ये इंडिया का रिस्पांस था, एक इंडियन रिस्पांस था टुवर्ड्स द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सो सबसे पहले इंडियन होम रूल लीग बेस्ड किस पे था? ये बेस्ड था ऑन द लाइन्स ऑफ आयरिश होम रूल लीग। जो आयरिश होम रूल लीग था उनके कंसेप्ट पे बेस्ड था, और इन्होंने रिप्रेजेंट किया था अमर्जेंस ऑफ अ न्यू ट्रेंड ऑफ एग्रेसिव पॉलिटिक्स। लोगों में बहुत एग्रेशन जो है इस टाइम तक बढ़ चुका था, तो ये एग्रेसिव पॉलिटिक्स पे ही बेस्ड था। एनी बेसेंट एंड तिलक वर द पायोनियर्स ऑफ दिस न्यू ट्रेंड। तो इस टॉपिक में हम मेनली दो नाम्स पढ़ेंगे, एनी बेसेंट एंड तिलक, लोकमान्य तिलक या बाल गंगाधर तिलक। सो ये दो नाम्स आपको बिल्कुल माइंड में रख लेने हैं। जैसे ही आप होम रूल लीग मूवमेंट का नाम लेते हैं और आपको डेट याद रखनी है, यानी कि ईयर याद रखना है 1916। फैक्टर्स लीडिंग टू द मूवमेंट। अब ये मूवमेंट क्यों स्टार्ट होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इसकी स्टार्टिंग से रिलेटेड हैं, कि क्यों स्टार्ट हुआ वो चेक करते हैं। सो नेशनलिस्ट के एक सेक्शन, मतलब कुछ नेशनलिस्ट, कुछ राष्ट्रवादी लोगों ने ये फील किया कि एक पॉपुलर प्रेशर ब्रिटिश गवर्नमेंट पे हमें डालना पड़ेगा अपने डिमांड्स मनवाने के लिए, राइट? सेकंड, मॉडरेट्स वर डिसइल्यूजन विद द मॉन्यूमेंटल रिफॉर्म्स। आपको शुरू से ही पता होगा, अगर आप पहले से वीडियोज़ देखते आ रहे हैं या आप खुद से प्रिपरेशन कर रहे हैं, कि हम INC में तीन चीज़ें पढ़ते हैं, मॉडरेट्स, मुस्लिम लीग एंड एक्सट्रीमिस्ट। जो मॉडरेट्स थे और मुस्लिम लीग थे, उनको शुरू से ही ब्रिटिशर्स जो हैं वो अपनी साइड पे रखते थे। किस तरह से साइड पे रखते थे? कुछ छोटे छोटे रिफॉर्म्स लाते रहते थे, और मॉडरेट्स और मुस्लिम लीग को ये कहा जाता था कि अगर वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग रहेंगे तो उनके लिए फर्दर फ्यूचर में और भी रिफॉर्म्स आएंगे। तो उनका, ब्रिटिशर्स का एजेंडा यही था कि वो मॉडरेट्स और मुस्लिम लीग को जो है INC से अलग रखे, राइट? ताकि लोगों में ज़्यादा नेशनलिस्ट की भावना, नेशनलिज्म ना फैले, क्योंकि अगर सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे तब तो उन्हें इंडिया को इंडिपेंडेंस जो है वो जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। सो डिवाइड एंड रूल, ये वाली पॉलिसी ब्रिटिशर्स बहुत पहले से शुरू करते आए हैं, फॉलो करते आए हैं। ये बात अलग है कि हमें बहुत लास्ट में जाके इस चीज़ का पता चलता है। बट फर्दर यहाँ पे हम पढ़ रहे थे कि मॉडरेट्स को जो है डिसइल्यूजन किया जाता था। तो अभी हमने पढ़ा है एक प्रीवियस वीडियो में मॉन्यूमेंटल रिफॉर्म्स के बारे में, राइट? उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, इन केस यू नो वॉच दैट वीडियो। सो हम राइट नाउ यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि क्यों ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ। पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि नेशनलिस्ट ने ये फील किया कि ब्रिटिशर्स से अपनी बातें मनवाने के लिए उन पे एक प्रेशर जो है वो डालना पड़ेगा। एंड दूसरा हमने देखा कि मॉडरेट्स को डिसइल्यूजन किया गया था विद द मॉन्यूमेंटल रिफॉर्म्स। तीसरा पॉइंट ये आता है कि पीपल वर फीलिंग द बर्डन ऑफ वॉर टाइम मिस्टेक्स। क्योंकि आपको पता है जो वॉर होती है, फेमाइन जो है वो बढ़ जाते हैं, अकाल पड़ जाता है, राइट? तो ये सब दुख जो है वो लोग फेस कर रहे थे। और अब हुआ क्या था कि जैसे वॉर ख़त्म होती है, लोगों पे हायर टैक्सेस लगा दिए जाते हैं, इन्फ्लेशन इंडिया में बढ़ गया था, यानी हर चीज़ का प्राइस बढ़ गया था। तो इस तरह से लोग तो ऑलरेडी जो है कोई मूवमेंट स्टार्ट करना चाहते थे, तो यहाँ पे उनको बेस मिलता है एनी बेसेंट और तिलक जी के इस मूवमेंट में, जो कि आयरिश लाइंस पे बेस था। सो हम यहाँ पे बहुत कुछ दिया है, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करेंगे। सो द लीग्स, अब हम पढ़ेंगे कि होम रूल लीग हमने पढ़ा आयरिश लाइंस पे बेस था, इंडियन रिस्पांस था टुवर्ड्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फिर हमने पढ़ा क्यों स्टार्ट हुआ, कि मॉडरेट्स को डिसिल्यूजन किया गया, प्राइसेस बढ़ गए, टैक्सेशन बढ़ गया। फिर हमने पढ़ा कि नेशनलिज्म की भावना लोगों में ना पैदा हो तो ब्रिटिशर्स डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी यूज़ करते थे। लेटर जो है नेशनलिस्ट को फील होता है कि ब्रिटिशर्स पे दबाव बनाना पड़ेगा अपने डिमांड्स मनवाने के लिए, सो उन्होंने होम रूल लीग स्टार्ट किया। अब लीग्स में क्या क्या चलता है, किस तरह से काम चलता है वो पढ़ते हैं। यहाँ पे हमने दो नाम पढ़े थे, लोकमान्य तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। उन्होंने रियलाइज किया कि हमें पूरी कॉरपोरेशन चाहिए, पूरी कॉपरेशन चाहिए, मॉडरेट्स की भी एक्सट्रीमिस्ट की भी, इस मूवमेंट को रन करवाने के लिए, राइट? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने रियलाइज किया कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट की पूरी पूरी कॉरपोरेशन चाहिए इस मूवमेंट को सक्सेस कराने के लिए, ठीक है? बट इससे पहले उन्होंने क्या किया, तिलक और एनी बेसेंट ने एक इनिशिएटिव लिया और एक पॉलिटिकल एक्टिविटी अपने बेसिस पे स्टार्ट की, राइट? सो 1915 में क्या हुआ, एनी बेसेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, एक कैंपेन लॉन्च किया टू डिमांड सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया। इंडिया में सेल्फ गवर्नमेंट डिमांड की फॉर इंडिया आफ्टर द वॉर,
वॉर के बाद ऑन द लाइन्स ऑफ वाइट कॉलोनीज। ये यहाँ पे याद रखना है कि 1915 में एनी बेसेंट ने एक कैंपेन स्टार्ट किया था जिसमें उन्होंने डिमांड की थी सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया आफ्टर दी वॉर, वॉर के बाद। अब उन्होंने कैंपेन कैसे स्टार्ट किया, उनके कुछ न्यूज़पेपर्स थे राइट, जैसे कि न्यू इंडिया है, कॉमनवेल्थ है। तो ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉमनवेल्थ वॉज द न्यूज़पेपर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो वहाँ पे चार नाम होते हैं, तो वहाँ पे आपको जो है एनी बेसेंट नाम याद रखना है कि न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट का न्यूज़पेपर था। इसके थ्रू उन्होंने कैंपेन स्टार्ट किया, पब्लिक मीटिंग्स की, कॉन्फ्रेंसेज हेल्ड करवाई राइट, और इस तरह से उन्होंने कैंपेन स्टार्ट किया। अब जो कांग्रेस के एनुअल सेशंस होते थे 1915 में, उसमें तिलक जी और बेसंत जी की जो एफर्ट्स थे उसके थ्रू एक मीटिंग हुई। यहाँ पे लिखा है द एनुअल सेशन ऑफ द कांग्रेस इन 1915 द एफर्ट्स ऑफ तिलक एंड बेसंत मेट विद सम सक्सेस। मतलब 1915 का जो आईएनसी का सेशन होता है वहाँ पे इनको कुछ सक्सेस मिलती है। किस तरह से सक्सेस मिलती है देखते हैं। ये डिसाइड किया गया कि एक्सट्रीमिस्ट को जो है कांग्रेस में ऐड किया जाएगा, क्योंकि हमने 1907 में पढ़ा था कि सूरत स्प्लिट होता है, एक्सट्रीमिस्ट को निकाल दिया जाता है, मॉडरेट्स को निकाल दिया जाता है, मतलब दोनों अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन मॉडरेट्स आईएनसी का पार्ट रहते हैं और एक्सट्रीमिस्ट अलग हो जाते हैं। सो यहाँ पर डिसीजन लिया गया कि जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनको फिर से कांग्रेस में ऐड किया जाएगा। ऑल दो एनी बेसेंट जो फेल हो गई थी टू गेट द कांग्रेस टू अप्रूव हर स्कीम ऑफ होम रूल लीग। एनी बेसेंट चाहती थी कि आईएनसी जो है वो होम रूल लीग का कंसेप्ट एक्सेप्ट करें, लेकिन कांग्रेस ने ये वाला जो डिमांड थी एनी बेसेंट की वो एक्सेप्ट नहीं की थी राइट। फिर यहाँ पे हम मेन चीज पढ़ते हैं, तिलक एंड बेसेंट सेटअप देयर सेपरेट लीग्स टू अवॉइड एनी फ्रिक्शन, उनके बीच में कोई इशू ना हो राइट, इसीलिए उन्होंने जो है अलग से सेपरेट होम रूल लीग स्टार्ट की थी। अब हम पढ़ते हैं तिलक्स लीग, यानी लोकमान्य तिलक जी की लीग के बारे में। सो ये लीग जो है अप्रैल 1916 में जो है एस्टेब्लिश हुई थी। अब कहाँ कहाँ बनी थी ये हम दो लीग्स पढ़ेंगे इसमें, एक लोकमान्य तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक की और एक एनी बेसेंट की। पहले हम तिलक जी की लीग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये लीग अप्रैल 1916 में एस्टेब्लिश की गई। इसका एरिया कौन कौन सा आता था, इसमें आता था महाराष्ट्र, पूरा का पूरा महाराष्ट्र बॉम्बे को छोड़ के, कर्नाटका आता था। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बेरार आता था। कौन कौन से पढ़े, महाराष्ट्र बॉम्बे को निकाल के एक्सेप्ट बॉम्बे, देन कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बेरार। इनकी जो है 6 ब्रांचेस थी और इनके डिमांड थी स्वराज्य। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज इज माई बर्थ राइट, ये किसने कहा था, लोकमान्य तिलक ने। इस लीग में 6 ब्रांचेस थी, इन्होंने डिमांड की स्वराज्य की और फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स एंड एजुकेशन इन दी वर्नैक्युलर। फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट मीन्स कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बनाई जाए एंड एजुकेशन इन दी वर्नैक्युलर। वर्नैक्युलर मीन्स लोकल लैंग्वेज में जो वहाँ के लोगों के लिए जो है अंडरस्टैंडेबल है उस लैंग्वेज में एजुकेशन स्टार्ट करवाई जाए। ये था तिलक जी की लीग के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेसंत लीग। जो एनी बेसंत की लीग थी वो सितंबर 1916 में स्टार्ट हुई थी मद्रास में, और इसमें इंडिया का पूरा पार्ट आता था। मतलब जो पार्ट जो हमने पहले पढ़ा तिलक की लीग में नहीं आता था वो एनी बेसंत की लीग में आता था राइट, इंक्लूडिंग बॉम्बे सिटी। बॉम्बे सिटी भी आती थी उसमें, हमने पढ़ा 6 ब्रांचेस थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 ब्रांचेस थी, और बेसंत की लीग में 200 ब्रांचेस थी। बट ये बहुत ही लूजली ऑर्गेनाइज थी एज कम्पेयर टू तिलक्स लीग। और यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी कौन थे, जॉर्ज अरुणडेल। जॉर्ज अरुणडेल जो है ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी थे राइट। इनके साथ साथ कौन थे इनकी लीग में, बी डब्ल्यू वादिया एंड सी पी रामास्वामी अय्यर। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी टॉपिक में आगे जाके इस नाम का थोड़ा सा सिग्निफिकेंस आएगा, ये नाम बात माइंड में रखिएगा, सी पी रामास्वामी अय्यर। बाद में इनमें बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया, जैसे कि मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, भालू भाई देसाई, इन सब लोगों ने ज्वाइन किया। हाउएवर एंग्लो इंडियंस, मोस्ट ऑफ द मुस्लिम्स एंड नॉन ब्राह्मिन्स फ्रॉम साउथ डिडंट ज्वाइन। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि एनी बेसेंट की होम रूल लीग में किन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, तो एंग्लो इंडियंस जो थे प्लस मोस्ट ऑफ द मुस्लिम्स एंड नॉन ब्राह्मिन्स फ्रॉम साउथ। साउथ के जो मुस्लिम्स थे नॉन ब्राह्मिन्स थे उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ उन्होंने ऐसा लगा, उन्होंने ये चीज़ फील की कि होम रूल जो है वो हिंदू मेजोरिटी के लिए है, मेनली द हायर कास्ट राइट। तो इसलिए जो है किन किन ने ज्वाइन नहीं किया, एंग्लो इंडियंस एंड मुस्लिम्स एंड नॉन ब्राह्मिन्स फ्रॉम साउथ, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया।
नेक्स्ट आता है द होम रूल लीग प्रोग्राम। हम होम रूल लीग प्रोग्राम के बारे में पढ़ेंगे। सो इस कैंपेन का एम क्या था? इसका एक छोटा सा एम था कि कॉमन मैन तक ये मैसेज पहुंचाना ऑफ होम रूल एज सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब इंडिया में होम रूल हो, इंडिया में इंडियंस का ही रूल हो। होम रूल लीग मतलब होम रूल, हमारा अपना रूल हो इंडिया में सेल्फ गवर्नमेंट। तो इनका एम था कॉमन मैन तक ये मैसेज पहुंचाना कि सेल्फ गवर्नमेंट हो इंडिया में, राइट? एम को अचीव कैसे किया गया? पॉलिटिकल एजुकेशन, लोगों में एजुकेशन प्रोवाइड करवाई गई पॉलिटिक्स से रिगार्डिंग, एंड डिस्कशन की गई थ्रू पब्लिक मीटिंग्स, लाइब्रेरीज ऑर्गेनाइज की गई, राइट? रीडिंग रूम्स खोले गए जहाँ पे बुक्स थी नेशनल पॉलिटिक्स पे, कि नेशनल पॉलिटिक्स क्या होती है, कैसे कंडक्ट करते हैं उस पे। कॉन्फ्रेंसेज हेल्ड की गई, देन प्रोपेगेंडा जो है न्यूज़पेपर्स के थ्रू, पैम्पलेट्स पोस्टर्स के थ्रू जो है छापा गया, एंड रिलीजियस सॉन्ग्स बनाए गए। इस तरह से हम एक चीज़ इसमें और पढ़ते हैं कि रशियन रेवोल्यूशन हुआ था 1917 में, जिसने बहुत एक जो है सब्सटेंस ऐड किया होम रूल कैंपेन में, राइट? सो होम रूल कैंपेन में मेन चीज़ हम यही पढ़ते हैं, कॉमन लोगों तक मैसेज पहुंचाना होम रूल का है सेल्फ गवर्नमेंट। बहुत सारे स्टेप्स लिए गए, जैसे कि लाइब्रेरीज ओपन की गई, कॉन्फ्रेंसेज होल्ड की गई, राइट? सो ये सब आता है। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट का एटीट्यूड। गवर्नमेंट हमेशा से ही सुप्रेस करती रही है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट का एटीट्यूड कैसा रहा वो पढ़ते हैं। गवर्नमेंट ने बहुत रिप्रेस किया इसको, स्पेशली मद्रास में रिप्रेशन जो है अपनी, ये वही नीति अपनाई जहाँ पे स्टूडेंट्स को जो है पॉलिटिकल मीटिंग्स अटेंड करने से रोका गया, राइट? फिर एक केस आया जहाँ पे लोकमान्य तिलक जो है वॉज रिसाइंडेड बाय द हाई कोर्ट। जो लोकमान्य तिलक थे उनको बार किया गया कि वो पंजाब और दिल्ली में एंटर नहीं कर सकते हैं। और जून 1917 में एनी बेसेंट और उनके एसोसिएट्स बीपी वादिया, जॉर्ज अरुंडेल, इनको अरेस्ट किया गया, और इस तरह से नेशन वाइड प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है। सो गवर्नमेंट एटीट्यूड में हम वही पढ़ते हैं हमेशा से ही कि उन्होंने रिप्रेस किया, मद्रास में जो है स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं किया गया पॉलिटिकल मीटिंग्स अटेंड करने के लिए, बाल गंगाधर तिलक को कहा गया, हाई कोर्ट से ऑर्डर आया कि वो पंजाब दिल्ली एंटर नहीं कर सकते हैं। जून 1917 में एनी बेसेंट और उनके एसोसिएट्स को जो है अरेस्ट किया गया। सो यहाँ पे एक चीज़ नहीं दी है, जो हमने यहाँ पे नाम पढ़ा था सी पी रामास्वामी अय्यर, इनके इनका एक टाइटल था सर का, तो इन्होंने वो टाइटल यहाँ पे रिनाउंस किया, सॉरी दिया है यहाँ पे। इन अ ड्रामेटिक जेस्चर सर एस सुब्रमण्यम अय्यर रिनाउंस्ड हिज नाइटहुड टाइटल, राइट? नेक्स्ट आता है वाई दी एगिटेशन फेडेड आउट बाय 1919। अब 1916 में स्टार्ट हुआ था, 1919 तक ये सेशन जो है एगिटेशन जो है ख़त्म हो गया। क्यों ख़त्म हुआ? मतलब फेड हो रहा था। तो क्यों फेड हो रहा था? इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, एक रीज़न ये रहा। कॉम्युनल राइट्स जो हो गए थे, मतलब धर्म के बेसिस पे राइट्स होने स्टार्ट हो गए थे, राइट? एक तो ऑर्गेनाइजेशन सही नहीं थी, दूसरा कॉम्युनल राइट्स होना स्टार्ट हो गए थे, तीसरा जो है मॉडरेट्स जो अब कांग्रेस में आ गए थे, राइट? आफ्टर बीसेंट्स अरेस्ट वर पेसिफाइड बाय टॉक्स ऑफ रिफॉर्म्स। मॉडरेट्स जो सपोर्ट करने लग गए थे होम रूल लीग को, जब एनी बेसेंट को अरेस्ट किया गया उसके बाद उनको फिर से ब्रिटिशर्स ने कहा कि हम रिफॉर्म्स लाएंगे, तो मॉडरेट्स फिर से ब्रिटिशर्स की बातों में यहाँ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आते हैं 1918, बट मेनली 1919 हम पढ़ते हैं, तो इससे भी जो है बहुत शांत हो गए थे लोग। लास्ट पॉइंट आता है तिलक जी को जो है अब्रॉड जाना पड़ता है इन कनेक्शन विद अ केस, एक केस के इशू में उनको जो है अब्रॉड जाना पड़ता है। अब देखिए लोकमान्य तिलक जी अब्रॉड चले गए, राइट? एनी बेसेंट जो है वो रिफॉर्म्स के इश्यूज में फंस गई थी और वो जो है पैसिव रेजिस्टेंस को फॉलो करती थी, वो एक पॉजिटिव लीड नहीं दे पा रही थी मूवमेंट को, और तिलक तो ऑलरेडी इंग्लैंड में थे, तो मूवमेंट जो है वो एक तरह से लीडर लेस हो गया था, राइट? सो ये रीजंस रहे कि क्यों ये नहीं चला। नेक्स्ट कम्स पॉजिटिव गेन्स, कि क्या क्या फायदे रहे। मूवमेंट ने जो है एम्फेसिस जो था, पहले लोग सिर्फ ये बिलीव करते थे कि सिर्फ एजुकेटेड लोग पार्टिसिपेट करेंगे, राइट, मूवमेंट्स में, लेकिन अब मासेस की तरफ उनका जो है एम्फेसिस होने लगा था। एक ऑर्गेनाइजेशनल लिंक क्रिएट हो गया था टाउन एंड कंट्री के बीच में, मतलब सिर्फ शहरों के नहीं गांव के लोग भी जो है पार्टिसिपेट कर सकते थे मूवमेंट्स में। इट क्रिएटेड अ जनरेशन ऑफ आर्डेंट नेशनलिस्ट, मतलब लोगों में नेशनलिज्म की भावना बढ़ने लगी थी। इट प्रिपेयर्ड द मासेस फॉर पॉलिटिक्स ऑफ द गांधीन स्टाइल, अब लोग जो है गांधीन स्टाइल में पॉलिटिक्स अपनाने लगे थे, मतलब कि वायलेंस नहीं करना है, शांति से अपनी बातें मनवानी है, राइट? नेक्स्ट आता है ऑगस्ट डिक्लेरेशन आई थी 1917 में, जिसे हम मोंटेगू स्टेटमेंट भी बोलते हैं, उससे भी जो है लोग काफ़ी शांत हो गए थे। एंड नेक्स्ट आता है इट लेंट अ न्यू डायमेंशन एंड अ सेंस ऑफ अर्जेंसी टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट। सो
इसमें मेनली जो है थोड़ा सा स्टार्टिंग में आता है कि होम रूल लीग किसने स्टार्ट की. सो आज की वीडियो में हमने जो है कंप्लीट टॉपिक पढ़ा है होम रूल लीग मूवमेंट के बारे में. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, स्पेशली SSC, UPSC, रेलवे और किसी भी स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए, क्योंकि हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं. मॉडर्न हिस्ट्री में जो है बहुत ज़्यादा इंपैक्ट रहता है, क्वेश्चन का सिग्निफिकेंस बहुत रहता है एग्जाम्स में, प्री में, मेन्स में. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू एंड सी यू सून. बाय.